नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टेट। मैं हूँ आपके साथ सोनी। आठवें वेतन आयोग को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी है। अगले 5 महीने के अंदर आठवें वेतन आयोग आने वाला है और सरकार के माध्यम से यहाँ पर न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए है और यह बढ़कर कम से कम 34,560 हो जाएगा। बता दें, इसके अलावा जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी, जो कि यह कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब जो वेतन माह का स्ट्रक्चर है वह भी पूरी तरह से बदलने वाला है। केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी राहत की अपडेट है। आपको बता दें, जुलाई दिसंबर पीरियड के हेतु महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि किया गया था, जो डीए बढ़ाकर हुआ था और यह 53% हो गया है। अब ऐसे में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। अब जिसका तात्पर्य यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर के वेतन के साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाने वाला है। दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में यह देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा और इसकी सिफारिश कब लागू होगी। सबसे बड़ा सवाल ये अभी तक लोगों के मन में बना हुआ है। बता दें कि आठवें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी, चलिए आपको बताते हैं। जैसा कि जानकारी यह निकलकर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार के माध्यम से आठवें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान होने जा रहा है। अब करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दशकों में सरकार 10 वर्षों से एक नया वेतन लागू करता आया है, इसलिए इस बार भी उम्मीद अब पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। जैसा कि जानकारी यह भी निकल कर सामने आ रही है कि आगामी जो बजट 2024 होने वाला है, इसमें आठवें वेतन आयोग को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं पर केंद्र के द्वारा यह कहा गया है कि सरकार बजट के दौरान ये ऐलान करती है, तो इसे लागू करने में अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि आठवें वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव होगा। जैसे कि पिछले 6वें और 7वें वेतन आयोग के दौरान जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो फिटमेंट फैक्टर था वो उनका 3.68 फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 इस फिटमेंट फैक्टर को तय किया गया था। वेतन और पेंशन की जो कैलकुलेशन है वो इस फिटमेंट फैक्टर के अनुसार एक महत्वपूर्ण मानक तय किया जाता है। जैसे कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 है, जो इसे बढ़ाकर 18,000 किया गया था, और इस तरह न्यूनतम पेंशन जो कम से कम 3500 है तो उसे बढ़ाकर अब 9,000 किया गया था। आठवें वेतन आयोग से कितना बढ़ेगा न्यूनतम वेतन, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। चलिए ये भी आपको हम बता देते हैं। तमाम रिपोर्ट के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफ़ी तेजी से चर्चा देखने को मिल रही है। पिछली बार 3.68 फैक्टर की मांग के हिसाब से 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, लेकिन अब जानकारियां ये है कि न्यूनतम वेतन जो 18,000 रुपये था वो अब कम से कम 34,560 का हो सकता है। ऐसे में जो न्यूनतम पेंशन है वो भी कम से कम 17,280 रुपये के करीब हो सकता है। अगर बजट 2025 के दौरान आठवें वेतन आयोग की स्थापना होती है तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही राहत की खबर होगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।